वीडियो देखने से पहले डिस्क्लेमर को अच्छी तरह से पढ़ लें। आप हमारी प्रीमियम सर्विस को सब्सक्राइब करिए, जैसे कि शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, टेक्निकल पिक, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। आप हमें मेल और व्हाट्सएप करिए। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी स्क्रीन के सामने डिस्प्ले हो रही है। डिस्क्रिप्शन में जाइए, रेजर पे के लिंक के माध्यम से पेमेंट करके सर्विस को एक्टिवेट करिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट अपडेट्स और न्यूज आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिए। लर्न एंड लर्न बाय यूट्यूब, लर्न ऑनलाइन। अगर आप भी अपना यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं, उसको ग्रो करना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क करिए। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे दी गई हैं। आज हम इंडियन बैंक, इस कंपनी के बारे में हम आपको बताएंगे। कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम आपको देने जा रहे हैं इंडियन बैंक के बारे में। क्या सर्विसेज हैं, क्या प्रोडक्ट्स हैं, फ्यूचर में क्या ग्रोथ हो सकती है, क्या इंडियन बैंक के शेयर्स हमको बाई करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, कितना प्रॉफिट मिल सकता है अगर हम इस बैंक के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, कब तक होल्ड करना पड़ेगा, क्या टारगेट है, एनालिस्ट की क्या राय है, ब्रोकरेज फर्म्स का क्या कहना है इस स्टॉक के बारे में, सारी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से दे दी जाएगी। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, वीडियो को स्किप ना करें। आधे अधूरे ज्ञान के प्रभाव में आकर इन्वेस्टमेंट ना करें, इससे नुकसान हो सकता है। तो चलिए, कंप्लीट जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। इंडियन बैंक की वेबसाइट पर हैं आप, अलाहाबाद बैंक के साथ ये काम कर रहे हैं, फोन बैंकिंग और नेट बैंकिंग की सुविधा भी ये प्रदान करते हैं। बैंकिंग दैट इज प्राइस एज गुड, इंडियन बैंक एंड अलाहाबाद बैंक आर नाउ वन। आपको ये पता होना चाहिए कि इंडियन बैंक और अलाहाबाद बैंक अब एक ही बैंक हो चुके हैं, दोनों एक ही बैंक हैं, मर्ज हो चुके हैं ये दोनों बैंक। खास बात क्या है इंडियन बैंक और अलाहाबाद बैंक के बारे में, पैन इंडिया नेटवर्क है इनका, पूरे भारत में ये काम करते हैं, एनहेंस्ड सर्विसेज देते हैं, प्लीजेंट एक्सपीरियंस होगा अगर आप इस बैंक की सर्विस लेंगे तो। ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा देते हैं, LIC प्रीमियम पेमेंट, TNEB पेमेंट, चालान जनरेशन, डेबिट कार्ड, इनकम टैक्स, GST पेमेंट, सर्विस टैक्स, डोर स्टेप बैंकिंग की सुविधा देते हैं, नो योर CIF, नो योर IFSC एंड MICR कोड, ऑनलाइन आप जा सकते हैं। सिक्योरिटी टिप्स के लिए अपने ग्राहकों को हमेशा आगाह करते हैं ये। तो बहुत अच्छी बैंक है, डिजिटल बैंक हो चुकी है इंडियन बैंक, और लॉगिन करके आप पूरी बैंकिंग सर्विसेज का लाभ आप अपने घर पर ही ले सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि इनके शेयर में इन्वेस्ट करें या ना करें, इसके लिए मैं ग्रो की वेबसाइट में आपको लेके चलता हूं। इंडियन बैंक का शेयर प्राइस है 168.90, एक दिन में 0.45% की तेजी है। बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है, वन वीक में इसने 26.08% का रिटर्न दिया, शानदार रिटर्न दिया है वन वीक में, 250 रिटर्न दिया है वन वीक में, 26.08% का रिटर्न दिया है इंडियन बैंक ने, वन मंथ में 18.15% का रिटर्न दिया है, वन ईयर में 65.88% का रिटर्न दिया, थ्री ईयर्स में 24.56% की गिरावट है इस बैंक में, 5 ईयर्स में 40.41% की गिरावट है इस बैंक में। टेक्निकल देखेंगे हम, आपको बताएंगे इस बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। 50 MA और 200 MA की लाइन है, स्टॉक में ब्रेकआउट आ चुका है, कंफर्म हो चुका है, 200 का रेजिस्टेंस ब्रेक किया, उसके बाद 50 MA का रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया, बहुत तेजी से बायर्स बहुत तेजी से बढ़ गए हैं। आज साहब ये ग्रीन बार्स देख रहे हैं, तो बायर हावी है इस स्टॉक को खरीदने में, यहाँ पर बायर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, सेलर्स वीक पड़ गए हैं, स्टॉक जो है अपने ओवरसोल्ड जोन में जा चुका है, ये स्टॉक ओवरबॉट जोन में जा चुका है, इसका RSI 21 है। तो इस स्टॉक में एक बहुत अच्छा मोमेंटम है और इस स्टॉक इससे ऊपर भी जा सकता है।
और आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं, 195 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, वो भी शॉर्ट टर्म में। इस स्टॉक के बारे में और भी जानकारी आपको लेनी चाहिए। 52 वीक लो है 87.50, 52 वीक हाई है 194.95। 52 वीक हाई से इसमें अच्छी खासी गिरावट है। बाय ऑर्डर क्वांटिटी लगी है 32.02% की और सेल ऑर्डर क्वांटिटी लगी है 67.92% की। तो ज्यादातर इन्वेस्टर्स इसमें प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, इसलिए सेलर्स हैं इसमें, और इस स्टॉक में बायर्स भी बने हुए हैं खरीदारी करने के लिए, क्योंकि मोमेंटम है, ब्रेकआउट है स्टॉक में। एनालिस्ट का क्या कहना है इस स्टॉक के बारे में हम आपको बताएंगे। एटी 89% एनालिस्ट इस स्टॉक को खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 11% होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं, कोई भी सेल करने की सलाह नहीं दे रहा है। 89% बाई रेटिंग आती है, 9 एनालिस्ट पर रिसर्च की है, और ये सभी एनालिस्ट रेफिनेटिव से एग्रीगेट कर दिए गए हैं। आपको इसके फंडामेंटल्स भी हम बताएंगे। मार्केट कैप है 20,942 करोड़ का, मिड कैप कंपनी है, पी रेशियो 6.03 का है। पी की दृष्टि से स्टॉक बहुत ही अंडरवैल्यूड हो गया है, पी भी बहुत ही अट्रैक्टिव है, 0.48% का है, 1 रुपए की चीज आपको 48 पैसे मिल रही है। इंडस्ट्री पी 12.06 का है, इंडस्ट्री पी से बहुत नीचे ट्रेड करने वाला स्टॉक है ये इंडियन बैंक। रिटर्न ऑन इक्विटी इनकी अच्छी है, 10.12% की है, ईपीएस 40.13 है, डिविडेंड यील्ड 1.19% की है, और बुक वैल्यू 349.20 की है। फाइनेंशियल देखेंगे क्वार्टरली तो इनके रेवेन्यू ग्रो कर रहे हैं, लेकिन 2021 क्वार्टर में हल्की सी गिरावट है। प्रॉफिट इनके लगातार गिर रहे हैं, मार्च 2021 से इनके प्रॉफिट में लगातार गिरावट जारी है। नेटवर्थ तेजी से ग्रो हो रही है, ईयर ऑन ईयर नेटवर्थ तेजी से ग्रो हो रही है। प्रॉफिट इनके 2021 में शानदार प्रॉफिट दर्ज किया है इन्होंने, और रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है 2021 में। करंट ऑर्गेनाइजेशन इंडियन बैंक, मैनेजिंग डायरेक्टर मिस पद्मजा चंद्रू, फाउंड हुई थी 1907 में, 100 साल से पुरानी बैंक है ये, एनएसई सिंबल है इंडियन बैंक। शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर डालें तो प्रमोटर्स के पास ही 79.86% की होल्डिंग है, रिटेल एनालिस्ट के पास 7.98% की होल्डिंग है, और म्यूचुअल फंड के पास 6.22% की होल्डिंग है। टॉप म्यूचुअल फंड ने भी इन्वेस्टमेंट किया है, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप के पास 1.97% की होल्डिंग, बीएनपी परिवार के पास 1.97% की होल्डिंग, एसबीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के पास 1.66% की होल्डिंग, और इन्वेस्टो इंडिया स्मॉल कैप के पास 1.57% की होल्डिंग है। इस स्टॉक के बारे में और भी जानकारी आपको पता होना चाहिए, इसके लिए हम आपको लेके चलते हैं इसके इवेंट सेक्शन में। बोर्ड मीटिंग 7 फरवरी 2022 को होने वाली है, बोनस राइट स्प्रेड जैसी कोई न्यूज नहीं है, डिविडेंड इन्होंने दिया है 2 रुपीज का डिविडेंड दिया है 8 जुलाई 2021 को। क्या न्यूज निकल कर आ रही है आपको जानना चाहिए। आईएम कोझिकोड एंड इंडियन बैंक इंक पैक्ट, एडलवाइसेस पार्टनर विद इंडियन बैंक फॉर को लेंडिंग प्रायोरिटी सेक्टर में पार्टनरशिप की है इन्होंने एडलवाइसेस के साथ। टारगेट बताएंगे बताना चाहूंगा आपको, एमके ग्लोबल ने इनको टारगेट दिया है 220 रुपीज का, और ये टारगेट अचीव करने के लिए आपको 1 ईयर तक वेट करना पड़ेगा, 1 ईयर होल्ड करना पड़ेगा स्टॉक को, उसके बाद ये आपको टारगेट मिल सकता है, 1 साल के अंदर भी टारगेट मिल सकता है। जब भी आपको टारगेट मिल जाए तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। कौन से शेयर्स को खरीदें, कौन से शेयर्स को बेच दें, किसमें अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, किसमें अच्छा मुनाफा मिलेगा, इसके लिए प्रीमियम सर्विस को सब्सक्राइब करिए, हमारी ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करिए। डिस्क्रिप्शन में रेजर पे का लिंक दिया है, पेमेंट करने के बाद सर्विस को तुरंत एक्टिवेट कर दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और अगर आप भी अपना यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहते हैं और कमाना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, हमारे संपर्क डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है।